दरभंगा के लिए ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, लव जिहाद का मामला आया है आज प्रकाश में। दो हिंदू लड़कियों को कोलकाता से बरामद किया गया है। कोलकाता पुलिस की सहायता से दोनों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवक जिन्होंने फरार करके ले गया था उनकी बहन के घर से उन्हें बरामद किया गया है। दोनों बहन आपस में चचेरी बहन है। 15 दिसंबर को प्यार में फंसाकर मुस्लिम लड़का हुआ था लेकर फरार। घर वालों ने 15 दिसंबर को अपहरण का मामला दर्ज कराया था दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना से। आपको बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम दिसंबर को ये दोनों लड़कियां फरार हो चुकी थी ये दोनों युवक के साथ में। आपको बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 दिसंबर को अपहृत हुई दो युवतियों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मटिया ब्रुज से बरामद कर अपहरण के आरोपी हयातपुर के दोनों युवक मोहम्मद गालिब वे मोहम्मद साहिद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि उनके बहन के घर पर से दोनों लड़कियों को बरामद किया गया है कि दोनों लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आगे देखिए कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के और परिजनों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। जैसा कि 15 दिसंबर को सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवारा गांव के पंचायत में दो हिंदू लड़कियों के मुस्लिमों के द्वारा जिहाद किया गया उससे बला फुसला के घर से भगाया गया जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली। हम लोगों को जानकारी मिलने के बाद हम लोग को थाना पर परिसर बनाए। आज वो कल लड़की बरामद हुई है उसके यहाँ पर हम लोग लहरियासराय थाना में आए हैं। यहाँ इस मामला को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि देश के अंदर हर जिला में एक ट्रस्ट इसके काम को अंजाम दे रही है जो कि हिंदू लड़कियों को महिलाओं को फंसाया जाता है और उसको लोभान्वित करके उसे अपने जिहाद करके उसे शादी ब्याह कर लिया जाता है और उसे देश विदेश में जाकर बेचा जाता है। जैसा कि ये लड़की जो है कलकत्ता के सोनागाछी से बरामद हुई है जैसा पता चला है सूत्रों के अनुसार लोगों के द्वारा, तो ये इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जिहादियों का जो अभी एक ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्य चल रहा है मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे गिरोह पर अविलंब कार्रवाई की जाए अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर जिलाओं में आंदोलन करेगी और लव जिहाद के लेकर हम सभी अपने सनातन भाइयों को परिवारों को मैं आगाह करता हूं कि जो अपनी बहन बेटियां हैं उस पर नज़र रखें। मोबाइल जो आप दिए हुए हैं उस मोबाइल का हमेशा उसका जो चेक किया करें ताकि उसमें जो किसी प्रकार की जो अभी आए दिन जिहाद हो रही है घटनाएँ हो रही है उससे आप बचेंगे। अपने बच्चियों पर ध्यान दे अपने परिवारों पर ध्यान दे। लड़की से बात हुई आप लोगों की क्या बताया क्या उसने धर्म परिवर्तन किया है? लड़की से हमारी हमारी टीम की बात हुई है दरभंगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हम लोगों ने उसे मिला है। लड़की 60% जो है अपने गार्जियन के पास जाना चाहती है लेकिन उसे हम लोगों को बात करने के अनुसार लगा है कि उसको जो जिहाद किया है और जिहाद के टीमों के द्वारा उसे धमकाया गया है उसके परिवार पर जो है किसी आपत्तिजनक का जो है कुछ करने का उसको धमकी दिया गया है इसलिए वो लड़की टस मस हो रही है। 19-20 के अंतराल में है लड़की अपने गार्जियन के पास जाना चाहती है लेकिन बात करने के एक्टिविटीज से लगा है कि उसको किसी बड़े पैमाने पर उसको धमकी उमकी मिला उसके गार्जियनों के या उसके समाज के ऊपर किसी प्रकार का घटना करने का, तो लड़की अभी असमंजस में है। क्या हुआ आपके यहाँ क्या हो गया? हुआ ये है उस रोज मेरा पिताजी हो गए बीमार हम लोग चले गए हॉस्पिटल मम्मी पापा को लेकर ये घर से निकली हम जा रहे हैं सिलाई से इसका टाइम है 3:30 आने का उस दौरान ये नहीं आए तो हम लोग पूरा छानबीन किए उसका कोई जब पता आता नहीं मिला तो फिर हम लोग रात में 10 बजे नवार थाना में रिपोर्ट लिखवाए।
बाद हम इस मामला में रिपोर्ट क्या लिखाए थे आप? रिपोर्ट हम लिखवाए हैं बलात्कार का। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? उसके बाद हम लोग अपना जो भी हुआ जो इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग इसी प्रकार अपना लगे रहे, हम तो थाना पर छोड़ दिए ना सारे को। अब लड़की आई है, क्या बता रही है, किस रूप में देख रहे हैं, बात हुई, क्या बता रही है? ये इसका ब्रैंड वॉश किया हुआ है सर, ये हम लोग के पक्ष में कुछ जानकारियाँ नहीं दे रही, किसी को भी नहीं, ना मम्मी ना पापा किसी को ही जानते ही नहीं इस तरीके का। मुझे लड़की जो है वो शादी कर ली है क्या, धर्म भी परिवर्तन कर लिए, क्या बताइए आपको? लड़की तो बता रहे जो हम शादी कर लिए, बट ये भी बोल रहे आप लोग कौन है हम जानते भी नहीं, ऐसे बोल रहे। तो धर्म भी परिवर्तन की है क्या? धर्म परिवर्तन अभी नहीं किया, ये लोग अपना मर्जी से जो भी किया हो वो अपना मर्जी से ही। तो आप लोग चाहते क्या है? हम लोग लड़की को साथ ले जाना चाहते हैं।